बदमाशों ने पत्र भेजकर भिवानी में एक ऑयल मिल मालिक से 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। इतना ही नहीं, राशि न देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस मामले को लेकर अनाज मंडी व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने और परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की मांग की। एसपी ने व्यापारी को भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच करेगी और आरोपी जल्द ही पुलिस की हिरासत में होंगे। बता दें, 4 महीने पहले भी कुछ बदमाश तो शाम बाईपास पर इसी मिल मालिक के साथ मारपीट कर उसकी ब्रेजा गाड़ी छीनकर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक गांव बापोड़ा स्थित गोयल ऑयल मिल के बाहर मंगलवार सुबह वॉचमैन को गेट के बाहर एक पत्र पड़ा हुआ मिला। वॉचमैन ने पत्र मिल के मालिक हनुमान प्रसाद को दिया। पत्र को पढ़कर मिल मालिक के होश उड़ गए। पत्र में किसी ने हनुमान प्रसाद से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और राशि न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हनुमान प्रसाद ने मामले के संबंध में अनाज मंडी व्यापारी को अवगत कराया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने मिलकर पीड़ित व्यापारी की सुरक्षा और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा। यहाँ हमसे मिला था, उनकी मेन शिकायत ये है कि कल एक व्यापारी को एक धमकी भरा पत्र फिरौती के लिए मिला था। हमने उसी समय कल ही मुकदमा इस संबंध में दर्ज कर लिया है अंडर सेक्शन 384 IPC और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कि पत्र में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ना कोई नाम और एड्रेस कुछ भी नहीं है, केवल 5-6 लाइन लिखी हुई है। तो हम उसी आधार पर तहकीकात कर रहे हैं कि किस का हाथ हो इसमें हो सकता है। हमारे पास में जितने भी इन्वेस्टिगेशन टूल्स है उसके आधार पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द 1 लाख रुपये लिखा हुआ है और हम इन्वेस्टिगेशन उसी आधार पर कर रहे हैं। के जरिए नहीं है, ये कह रहे हैं जी कि हमें मिल के अंदर पड़ा हुआ मिला था। सीसीटीवी वहाँ कुछ कैमरे लगे हुए हैं, हम उनको भी सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं ताकि उस बेसिस पे कोई एविडेंस हाथ लगे तो हम आगे बढ़ेंगे।